नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से जितनी भी बातें चल रही हो, या एनडीए को लेकर फिर महागठबंधन को लेकर के, इन सारी बातों के बीच में कहीं ना कहीं एक बात तो सामने नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जी केंद्र में हैं। या एनडीए की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी इसके साथ उनके डिमांडों को लेकर के बात हो, इन सारी बातों को लेकर के अब महागठबंधन के तरफ से भी नीतीश कुमार को लगातार ऑफर मिल रहा है। ऐसा ही एक ऑफर आज जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन सारी बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता निशांत जी, अरविंद निशांत जी हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि क्या कुछ इनकी पार्टी का स्टैंड है और क्या ये एक बार फिर से जगता बाबू के इस बयान को लेकर के सोचते हैं और क्या साथ में आने की कोई संभावना बनती है। क्या लगता है अरविंद जी, संभावना बन रही है क्या साथ में आने की? नहीं नहीं नहीं, देखिए जगदा बाबू ने किस संदर्भ में क्या बातें कही है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार अच्छे से काम कर रही है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी चार दलों के नेता के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 16 वर्षों से राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और गठबंधन चलाने का बेहतरीन मॉडल पूरे देश में नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। और जहां तक सवाल है जगदा बाबू का, तो जगदा बाबू का मैंने अब ये नहीं संदर्भ मैं नहीं समझ पाया, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। उनका संदर्भ मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि चाहे जातीय जनगणना हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, ये मांग लगातार मांगी जा रही है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नकारात्मक जवाब दे दिया है। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के दोनों सदनों से जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर के, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाए जाने को लेकर के जब प्रपोजल पास किया जा रहा था, उसमें जेडीयू सहित भारतीय जनता पार्टी के लोग और अन्य दल के, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस वगैरह सारे लोग शामिल थे जी, प्रधानमंत्री जी के साथ जातीय जनगणना कराए जाने के मसला को लेकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मिलने का जो मसला था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई के श्री जनकराम, जो राज्य कैबिनेट के सदस्य है, वो भी गए थे जी। तो ऐसी कोई बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेतृत्व जिनसे जो सरकार के प्रमुख साझीदार हैं, डिप्टी सीएम हैं, या कोई ऐसा केंद्रीय नेतृत्व जो इस पर कोई अपनी बात रखी हो, ऐसे कोई व्यक्ति सामने आए नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह से अच्छे तरीके से बिहार सरकार चल रही है और जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने तस्वीर साफ किया कि सारे दलों का मंतव्य जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर के है, भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना उचित मंतव्य दे देगी तो सरकार आगे का फैसला करेगी। अरविंद जी, जहां तक आपने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा का मांग जो है वो सभी ने मिल करके तैयार किया था और सभी उस पर राजी थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में दो ऐसे मुद्दे हैं, एक जातीय जनगणना और दूसरा विशेष राज्य का दर्जा, इन दोनों को सदन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया है। हालांकि जातीय जनगणना पर तो उसने न्यायालय में भी हलफनामा दे दिया है कि जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है, और इसके साथ दूसरी बात जो नजर आ रही है कि 10 साल तक किसी भी तरह की जनगणना कराने से भी उसका अध्यादेश जो है वो सदन में लाने की तैयारी चल रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए बिहार सरकार की ओर से जो जातीय जनगणना कराए जाने का जो पक्ष था, उसमें बिहार भाजपा इकाई के समर्थन से सरकार ने प्रस्ताव पास किया और केंद्र सरकार को भेजा जी। जहां तक आप इस वर्ष जातीय जनगणना नहीं कराए जाने का जो मसला था उसके बारे में आपने जो प्रश्न किया है जी, तो ये भारत सरकार जब ऑर्डिनेंस लाएगी तो अब इसके बारे में आगे फैसला किया जाएगा, लेकिन हमारी पार्टी की ओर से आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूरी
तस्वीर पर अपना उचित वक्तव्य दिया है। अगर ऐसा कोई मसला आता है तो आगे हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर उचित वक्तव्य और फैसला और निर्णय देगा, उसके बाद हम लोग आगे इस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि ये सेंसस स्वयं एक कानून है और सेंसस कानून से काम करता है। सेंसस हर 10 साल पर कराने का जो कानून है इस देश में, तो 10 साल पर होने का कानून है, वो होना ही है। अगर इसको एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा भारत सरकार की ओर से। जब ऑर्डिनेंस आएगा तो उसमें हर दल के सदस्य को पार्लियामेंट में विश्वास में सरकार लेगी, सरकार सभी दलों से बातचीत करेगी या संसद में विशेष चर्चा कराएगी। जी अरविंद जी, ये सब बातें तो चल ही रही हैं। इसके बीच में जो ऑफर बार बार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आ रहा है, राबड़ी देवी ने भी कहा कि हम साथ खड़े हैं आपके। अब जगतानंद सिंह बजापते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते हैं, लालू प्रसाद ने तो पहले ही कह दिया है, तो क्या आप लोग सॉफ्ट होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल आप लोग साथ खड़ी रहे? देखिए देखिए देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा जी कि जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी दल के सदस्य साथ हैं। जी, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव का हम इंतजार कर रहे हैं। जी, तो फिर उनका कहने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो राबड़ी देवी जी हो, चाहे जगदानंद सिंह हो। जी, मुख्यमंत्री जी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है पहले ही। तो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग अपना पोजीशन ठीक करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जी जी, तो यही बात तो यही संदेश देने के लिए वो लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी बात कर रहे हैं। यही भला राबड़ी देवी जी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। जी, अभी 2 दिन पहले अभद्र, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। जी जी, और वो आदमी इस प्रकार की बातें, वो दल और वो नेता इस प्रकार की बातें करे, ये शोभा नहीं देता है। ये उनके मुंह से इस प्रकार की बातें अनुचित है। इसका सीधा मतलब होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ कोई भी किसी तरह का समर्थन लेने से आप लोग अपना हाथ खींचेंगे। जरूरत क्या है जी? सरकार चल रही है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी अच्छे तरीके से सरकार चला रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।